नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम समय चक्र में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं हमारा एक खास कार्यक्रम जिसमें हम आपको बताते हैं आपका राशिफल। साथ ही साथ दर्शकों, हम मना रहे हैं दीपावली का ये पूरा हफ्ता और इसीलिए हम हर एक दिन के महत्व के बारे में आपको बता रहे हैं। कल नरक चौदस है, उसका महत्व क्या होता है ये हम जानेंगे और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो फ्रेंड पंडित शशि शेखर त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय गणपति। तो आइए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग क्या है। संवत 2076 माह कार्तिक कृष्ण पक्ष है, तिथि द्वादशी तिथि है, सायंकाल 7:08 तक, इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। योग ब्रह्म योग है, सुबह 9:56 तक, इसके उपरांत इंद्र योग लग जाएगा। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं सायंकाल 4:23 तक, इसके उपरांत वो कन्या राशि में चले जाएंगे। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, सुबह 11:00 तक, इसके उपरांत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आ जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 से लेकर 12:00 तक है, इस बीच में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। वार शुक्रवार है, दिशाशूल पश्चिम दिशा की ओर है, तो पश्चिम दिशा की ओर आज यात्रा नहीं करनी चाहिए। कोई बहुत अगर इमरजेंसी है, अगर जाना ही पड़ता है, तो कुछ घर से फल खा के निकलिए या मीठा खा के निकलिए। तो ये है आज का पंचांग। अब दर्शकों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है आज के राशि फल का, तो आइए जानते हैं शशि जी से पहली चार राशियों का राशि फल। मेष राशि वालों के लिए फोकस है, यदि आपने किसी लोन के लिए कोई अप्लाई कर रखा है तो आज उस ओर कुछ अच्छी गति हो सकती है, लोन पास हो सकता है। अलर्ट रहना है कि मेष राशि वालों को कुछ यूरिन इन्फेक्शन संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। वृष राशि वालों के लिए फोकस है, परिवार के साथ कहीं घूमना या मूवी देखने का कोई प्लान है, यानी उत्सव मनाने का कोई प्लान है तो मना सकते हैं। अलर्ट रहना है कि आज दूसरों के प्रोवोक यानी भड़काने पर, उकसाने पर आपको उग्र नहीं होना है, अन्यथा आपकी हानि है। मिथुन राशि वालों के लिए फोकस है, भविष्य के लिए कोई निवेश करने की अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। अलर्ट रहना है कि ऑफिस में किसी से भी बहस की स्थिति बन सकती है, इसलिए विवाद से बचिए। कर्क राशि वालों के लिए फोकस है, ऑफिस के कार्यों के साथ साथ घर के कार्यों को भी निपटाना होगा। ग्रहों का सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपकी ओर हो रहा है, जो कि आपके लिए बहुत सहायक है। अलर्ट रहना है कि माँ के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता हो सकती है आज आपको। तो ये था पहली चार राशियों का राशिफल, कैसा है आज का आपका दिन ये हमने जाना। अब वक्त है अपने कार्यक्रम में एक खास विषय पर चर्चा करने का और आज हम चर्चा करेंगे नरक चौदस पर और जानेंगे शशि जी से कि क्या होता है नरक चौदस का महत्व। दर्शकों, कल नरक चौदस है, इसके विषय में हम विस्तार से बताने से पहले आज धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर चर्चा कर लेते हैं, ये बता देते हैं ताकि आज आप उसका सदुपयोग करें। धनतेरस का जो मुख्य समय है वो सायंकाल 7:06 से लेके 8:16 तक है, इस बीच में अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप तुरंत ले सकते हैं। चर चौगड़िया सायंकाल 4:30 से लेके 6:00 तक रहेगी और वृष काल शाम को 7:00 से लेके 8:56 तक रहेगी। दर्शकों, कल नरक चतुर्दशी है, इसको नरक चौदस भी कहते हैं और छोटी दीपावली भी कहते हैं। नरक चतुर्दशी को ऐसा प्लान करिए कि इसका पूरा सदुपयोग कर सकें। आज हम लोग इस विषय पर बात करते हैं। दर्शकों, कोई भी पर्व हो या त्यौहार हो, इसका जो मूल उद्देश्य है, इसका जो प्रयोजन है, वो सकारात्मक भाव को बढ़ाना और ईश्वर से कनेक्ट होना, ईश्वर की शरण में जाना और उनसे वरदान प्राप्त करना, उनकी कृपा प्राप्त करना, उनका स्नेह प्राप्त करना, यही उद्देश्य होता है। नरक चतुर्दशी में सबसे पहले यह तय करते हैं कि कौन कौन से देवता की उपासना करनी है, क्या आज का हमारा लक्ष्य है। नरक चतुर्दशी यानी नरक चौदस के दिन
लक्ष्मी जी तेल में निवास करती हैं। उस दिन शरीर में तेल लगाने से आर्थिक रूप से संपन्नता आती है। तो जिन लोगों को आर्थिक रूप से तंगी रहती हो, उन लोगों को दिन में तेल लगाना चाहिए। दर्शकों, एक बात समझनी है कि कल नरक चतुर्दशी के दिन सभी लोगों को मालिश अवश्य करनी चाहिए, सुंदरता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उपटन लगाना चाहिए। और उपटन केवल सिंबॉलिक नहीं कि लगाया जाता है, बड़े बुजुर्गों ने कहा इसलिए लगा लिया, इसको पूरे कायदे से लगाना चाहिए। क्योंकि ये जो समय है दीपावली में, हम लोग घर साफ कर चुके हैं, अब शरीर को स्वच्छ करना है, मलिनता को दूर करना है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप फेस पैक लगा सकते हैं, पैरों की सफाई, पैर के पंजे, जो महिलाएं पेडिक्योर कराना चाहें वो करा सकती हैं, पैर के पंजे गर्म पानी से आप साफ कर सकते हैं। कारण ये है कि रोम रोम स्वच्छ हो जाए। इसके साथ ही एक बहुत व्यवहारिक बात आप समझ लीजिए कि सभी लोगों के पास मोबाइल है, सब जगह की सफाई हो चुकी है, मोबाइल की गैलरी भी आपको साफ करनी है। जो भी अक्सर कई तरीके के वीडियो आ रहे हैं, हिंसक, एक्सीडेंटल, विभत्स तरीके से जो भी वीडियो हैं, इनको डिलीट कर दीजिए। आज अपनी गैलरी को भी स्वच्छ करना है, लैपटॉप को भी स्वच्छ करना है, डेटा को सिंक्रोनाइज करना है, अच्छे से साफ सुथरा कर दीजिए, जो गलत चीज़ें हटा लीजिए, बैग साफ कर लीजिए, पर्स ठीक कर लीजिए, पर्स में अक्सर पुराने पेपर पड़े हुए हैं वो सब हटाइए। यानी कि हर पार्ट पे कहीं भी कोई भी निगेटिविटी हमको नहीं दिखनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। नरक चतुर्दशी में सर्वप्रथम श्री कृष्ण जी की उपासना करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण जी ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसीलिए नरक चतुर्दशी कहते हैं। दर्शकों, इसके अतिरिक्त मान्यता ये भी है कि नरक चतुर्दशी के दिन राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ था, यानी हनुमान जी का बर्थडे। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी अयोध्या पधारे थे दीपावली वाले दिन। इनका उत्सव हम लोग मनाते ही हैं। और इनके ठीक एक दिन पहले छोटी दीपावली को उनके परम भक्त श्री हनुमान जी का बर्थडे हो, तो ये बहुत ही अद्भुत कनेक्शन हो जाता है, यानी ये राममय वातावरण है। दर्शकों, कल हनुमान जी की उपासना आपको कुछ विशेष करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको, और साधारण तरीके से नहीं जैसे रोज करते हैं, कुछ विशेष तरीके से। कल पूरे परिवार के साथ अगर हनुमान जी की वरद मुद्रा में आप फोटो रखिए सामने, और यदि संभव तो 100 दीपक त्रिभुजाकार आकार में, त्रिकोण में लगाइए, नोक की तरफ हनुमान जी की फोटो और ट्रायंगल में सारे दिए, और 100 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक दीपक जलाइए और पूरा परिवार हनुमान चालीसा का पाठ करे, एक लाइन मुखिया बोले और बाकी लाइन, अगली लाइन बाकी सब लोग बोलेंगे जैसा रामचरितमानस पढ़ते हैं। तो अगर ऐसा कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा। और यदि 100 दिए नहीं हो पा रहे हैं तो एक ही बड़ा बना लीजिए, लेकिन 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप कर देते हैं, यदि आप किसी बहुत संकट में हैं, कई समस्याएं हैं, कई बंधन हैं, तो आप इसको जरूर करिए। तुलसी बाबा ने कह दिया है कि 7 बार पाठ कर जोई छूटई बंद महासुख होई। तो इस महासुख की प्राप्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। दर्शकों, जो तीसरे देवता हैं वो सबसे प्रमुख हैं, इनका नाम सुन के डर लगता है। ये देवता हैं सूर्यपुत्र यम। तो यम देवता को प्रसन्न करना है तो इनके लिए घर में आज एक दीपक जलाएंगे, बड़ा दीपक लीजिए सरसों के तेल से, उसको जलाकर घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रखिए। आप ये भी कर सकते हैं कि घर के द्वार पर बाईं तरफ रखिए और उसकी जो लौ है उसको आप, जो बत्ती है उसको आप दक्षिण दिशा की ओर रखिए और आप उसको फिर जला दीजिए। तो और यम देवता की ओर प्रणाम करिए और उनसे प्रार्थना करिए,
उनसे प्रार्थना करने के बाद जो अकाल मृत्यु है इससे हम लोग बच जाते हैं। तो ये थी वो बेहद खास बातें जो नरक चौदस को लेकर शशि जी ने हमें बेहद सरल तरीके से बताई। अब वक्त है दर्शकों आपके सवाल लेने का, लेकिन आपको बता दें कि आपका भी कोई सवाल है, आपकी कोई समस्या है तो आप अपना सवाल हमें अपनी डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों आप हमें अपना वीडियो संदेश भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, जिसे हम अपने कार्यक्रम में ज़रूर दिखाएंगे। तो सबसे पहला सवाल आज किसका है, आइए जान लेते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार आदरणीय पंडित जी, मेरा नाम मोहित वर्मा है, मैं उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 25 जनवरी सन 2000 है। मेरी प्लेस ऑफ बर्थ फजलगंज है। मेरे टाइम ऑफ बर्थ सुबह 7:15 है। मुझे अपने करियर को लेकर थोड़ी दिक्कत है कि मैं बीकॉम के बाद क्या करूँगा, प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मोहित जी का प्रश्न है, बीकॉम किया है और अब आगे क्या करें। मकर लग्न है और कन्या राशि है और कुंडली अच्छी कुंडली है, बिल्कुल परेशान नहीं हुए। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि पिता के प्रति बहुत सम्मान रखना। पिता अगर कुछ निगेटिव बोले तो कभी बुरा नहीं मानना, उनको आशीर्वाद मानना। और इस कुंडली में अगर आप आगे स्टडी करना चाहते हैं तो इसमें आपकी दो लाइन बन रही हैं। एक तो जो पहली प्रियॉरिटी है कि आपको कुछ लॉ से संबंधित भी आगे पढ़ना चाहिए, यानी बीकॉम करने के बाद अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं और आगे चल के टैक्सेशन के एडवोकेट बन सकते हैं, ये लाइन भी आपके लिए एक है। इसके अलावा आप अगर कठोर तप करने के लिए तैयार हैं तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कानून के बारे में जानकारी, पेचीदगी के बारे में जानकारी ये आप कर सकते हैं। और एक बार सरकारी नौकरी ज़रूर ट्राई करिएगा। पिता का सम्मान करिए, पिता के रोज चरण स्पर्श करिए, उनके पैर दबाइए और उनके आशीर्वाद से आपको सरकारी जॉब भी मिल सकती है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब दर्शकों के सवालों के बाद वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार है बाकी बची राशियों का राशिफल, साथ ही आपके सवालों के जवाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम समय चक्र में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय गणपति। तो आइए अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, बाकी बची राशियों का राशिफल जाने, लेकिन उससे पहले आज का हमारा दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है नक्ष के लिए, डेट ऑफ बर्थ है 28/3/2016 और समय है 1:30 और जन्मस्थान है दिल्ली। सवाल है कि नक्ष हमेशा बीमार रहते हैं, खांसी जुखाम और फीवर की इनको शिकायत रहती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हैं, उपाय बताएं। नक्ष के लिए उनकी माताजी प्रश्न पूछ रही हैं कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कोल्ड रहता है, बुखार रहता है। देखिए कर्क लग्न है और चंद्रमा पीड़ित हो गया और चंद्रमा ही इनके शरीर का लॉर्ड है, इनके स्वास्थ्य का लॉर्ड है। और कुंडली को और गहराई से देखते हुए सब चीज़ें जो हैं इसमें एक उपाय करिए। आप जो समस्याएं हैं वो तो समझ में आ गई। उपाय आपको ये करना है कि नक्ष के मामा के द्वारा या नानी के द्वारा कोई चांदी का पात्र दिया जाए और पूर्णमासी से जो भी ये भोजन करता है उसी में देना चाहिए उसको। तो ध्यान ये रखिए कि चांदी के बर्तनों में भी खिलाइए। बाकी चंद्रमा की स्थिति धीरे धीरे ठीक होगी, क्योंकि अभी समय फरवरी तक थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। फरवरी के बाद स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। फरवरी के पहले जनवरी में इनका एक तुला दान कर दीजिएगा। अगर जब से जन्म हुआ है अभी तक बिल्कुल कोई भी दान नहीं हुआ है तो इनके वजन के बराबर चावल का दान करिए। ये काम आपको करना है और इससे ही आराम मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जिन खास बातों का ध्यान रखने के लिए आपसे कहा है उन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और जान लेते हैं अगली चार राशियों का राशिफल।
सिंह राशि वालों के लिए फोकस है, दिमाग और मन का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा बना हुआ है, जिससे आप बहुत मन लगा के काम करेंगे, लगन के साथ काम करेंगे और कार्य सफल भी होगा। अलर्ट रहना है कि शरीर में किसी चोट या इन्फेक्शन के कारण कुछ सूजन आ सकती है, थोड़ी समस्या हो सकती है। कन्या राशि वालों के लिए फोकस है, जिन लोगों ने विदेशी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है उनको शुभ समाचार मिल सकता है। अलर्ट रहना है कि हर बीमारी की जड़ पेट से है, तो अगर आपका पेट ठीक है तो आप स्वस्थ रहेंगे और आज वो गड़बड़ हो सकता है। तुला राशि वालों के लिए फोकस है, व्यापार के नए कार्यों को स्टार्ट करने के लिए पिता से सहयोग मिल सकता है। यदि पिता भी व्यापार में अगर भागीदारी बनते हैं तो ये तो सर्वश्रेष्ठ बात है। अलर्ट रहना है कि अधिक खर्च आपके आने वाले समय में मुश्किलें पैदा कर सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए फोकस है, श्री लक्ष्मी जी की उपासना करिए, उनकी कृपा से सुख समृद्धि आपको मिलेगी। आज थोड़ा पूजन करिए और साथ ही गरीब परिवारों को भी दीपावली के अवसर पर कुछ दीप दान कर सकते हैं, कुछ उनको भी खाने पीने की चीज़ें दे सकते हैं ताकि उनका भी त्यौहार अच्छा मने। अलर्ट रहना है कि पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, थोड़ी तबीयत बिगड़ सकती है। तो ये था अगली चार राशियों का राशिफल। अब दर्शकों वक्त उछला है कार्यक्रम में आज के तीसरे सवाल का। तो आज का हमारा तीसरा सवाल है गौरव श्रीवास्तव का, डेट ऑफ बर्थ है 21/4/1988, समय है रात 12:56 और जन्म स्थान है देवरिया उत्तर प्रदेश। इनका सवाल है कि इनकी शादी कब तक होगी, विवाह कब तक होगा, दाम्पत्य जीवन कब प्रारंभ होगा। कर्क लग्न है और मिथुन राशि है और अभी जो ग्रहों की स्थिति है और जो दशा चल रही है अभी, देखिए थोड़ा सावधान रहना होगा। आप बहुत जल्दबाजी नहीं करें क्योंकि लेट विवाह हो गया है, वो बात ठीक है, लेकिन उसके बाद भी बहुत कोई भी अपने इथिक्स या जो भी पैमाने, क्योंकि इस कुंडली में मांगलिक योग काफ़ी है, ज़बरदस्त है, इसलिए मैच मेकिंग करके ही आपको विवाह करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। और विद्वान व्यक्ति से मिलवाइए ताकि सही निर्णय ले सकें, क्योंकि अभी ये मई 2020 तक जो दशा ऐसी चल रही है कि इसमें मेंटल पॉइजनिंग हो सकती है, यानी मानसिक रूप से कुछ भ्रम हो सकता है, हो सकता है कि आपके पास कोई कुंडली आए मिलाने के लिए मिल जाए, लेकिन कई चीज़ें छुपा ली जाएं, आपको बाद में पता लगे कि वो तो कुंडली नहीं थी। तो ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा बहुत जल्दबाजी में कोई भी निर्णय बिल्कुल नहीं लीजिएगा। बाकी विवाह का समय आपका अभी चल ही रहा है और बस देख सुन के आपको विवाह करना है, विलंब जितना होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। तो आपके सवाल का जवाब जानने के बाद अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, चूंकि वक्त है यहाँ पर बाकी बची चार राशियों का राशिफल जानने का। तो जानते हैं शशि जी से कैसा है आज का आपका दिन। धनु राशि वालों के लिए फोकस है, सहकर्मी की आज उपस्थिति कम हो सकती है, यानी आपके साथ जो लोग काम करते हैं वो छुट्टी पे जा सकते हैं, तो आपका वर्कलोड बढ़ सकता है, इसको मैनेज करना होगा। अलर्ट रहना है कि आज आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यदि बॉस आपसे कोई बात कहते हैं तो उसको नोट कर लीजिए, अन्यथा आप भूल जाएंगे और फिर आपके लिए ये ठीक नहीं है। मकर राशि वालों के लिए फोकस है, आकस्मिक लाभ होने की संभावना है, आज आपको पुराना ऋण जो दिया हुआ है आपका वो आपको मिल सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है। अलर्ट रहना है दाम्पत्य जीवन में अशांति ना हो, इसका विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि संबंधों में खटास आ सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए फोकस है, आज कोई वाहन लेने की अगर आप सोच रहे हैं तो उस पर प्लान करिए, वाहन आप ले सकते हैं। अलर्ट रहना है बिजली का कार्य करते समय ध्यान रखिएगा, कुछ अग्नि संबंधी दुर्घटना हो सकती है, करंट लग सकता है या कोई आग लग सकती है। मीन राशि वालों के लिए फोकस है, अगर आज कहीं बाहर जाकर कुछ एंजॉय करना चाहते हैं, भोजन करना चाहते हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट चाहते हैं तो कर सकते हैं, साथ में बस ध्यान ये रखना होगा कि साफ सफाई का विशेष ध्यान हो, जहाँ जाइए थोड़ा हाइजीनिक जगह जाइए।
अलर्ट रहना है, छोटी छोटी बातों को लेके ईगो का टकराव आज हो सकता है, इसलिए आत्मसम्मान और ईगो के डिफरेंस को समझना होगा। तो ये था बाकी बची चार राशियों का राशिफल। अब वक्त है आज के हमारे चौथे यानी कि आखिरी सवाल का। और आज का हमारा आखिरी सवाल है हमारी दर्शक रुचि का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर 1987। समय है सुबह 5:30 बजे। जन्म स्थान है जयपुर। इनका सवाल यह है कि इनका समय कब अच्छा आएगा, घर इनका कभी होगा अपना या फिर नहीं होगा, हस्बैंड का काम ठीक चलेगा या नहीं। रुचि जी का प्रश्न है कि टाइम ठीक नहीं चल रहा है, कब तक अच्छा समय आएगा, खुद का घर कब तक होगा। तुला लग्न है और ग्रहों की स्थिति काफ़ी अच्छी चल रही है और कुंडली में थोड़ा सा आप देखिए। रुचि जी आप परेशान बिल्कुल मत होइए, आप बहुत आनंद के साथ रहिए, कुंडली में ऐसी कोई समस्या नहीं है और गणेश जी की कृपा से आपका घर भी होगा और बहुत अच्छा घर होगा। थोड़ा सा विलंब जरूर है, आपको जो समय आपका अच्छा समय प्रारंभ भी हो चुका है, योग कारक दशा चल रही है, तो चीज़ें आपकी सब होंगी। उपाय आपको बस एक करना है कि आप शिव और पार्वती जी की उपासना करिए। एक फ़ोटो रखिए जिसमें शिव पार्वती हो, शिव परिवार हो, वरद मुद्राओं में हो, आशीर्वाद देते हुए हो, और आप देखेंगे कि आप ओम नमः शिवाय का ही अगर जाप शुरू कर दीजिए तो आप देखिए आपको धीरे धीरे चीज़ें आपकी सब सेटल हो जाएंगी। तो ये था रुचि जी के सवाल का जवाब। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है आज की काम की बात का, तो आइए जानते हैं शशि जी से आज कौन सी अनमोल काम की बात वो हमें बताने जा रहे हैं। दर्शकों आज की काम की बात नरक चतुर्दशी से जुड़ी है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि वैसे अब तो इतना नहीं देते लेकिन अगर कहीं हाथी आपको दिख जाए, ऐसे वैसे लोग निकलते हैं शहरों में, अगर हाथी आपको मिल जाए तो उनको जरूर खिलाना है। गन्ना खिला सकते हैं, मीठा खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, केला खिला सकते हैं, और गणपति जी का ध्यान करके करिए। जो भी तकलीफें हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं आपकी, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो ये थी आज की काम की बात। इसी के साथ ही साथ आज के हमारे खास कार्यक्रम में दर्शकों हमने जाना नरक चौदस का क्या होता है महत्व, साथ ही बात हुई आपके राशिफल की। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी। जय गणपति, सभी का दिन मंगलमय हो। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपके राशिफल के साथ। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।